अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये मेरा पहला YouTube वीडियो है, इसमें मैं आपको मोबाइल के कुछ ख़ास सीक्रेट्स बताऊंगा जो आम लोगों को नहीं पता होता, और मोबाइल ख़रीदते वक्त उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है। सबसे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मोबाइल्स के मुतल्लिक नई नई वीडियोस मिलती रहें। आजकल मार्केट में बहुत से ब्रांड्स हैं, लेकिन सबसे आसान और ज़्यादा यूज़ सैमसंग मोबाइल होता है, जो लोग सबसे ज़्यादा पसंद भी करते हैं और चलाने में भी इजी होता है। सैमसंग ख़रीदने के लिए बहुत से लोगों को ये मसाइल होते हैं कि सैमसंग कॉपी मोबाइल भी आते हैं, कोरियन भी आते हैं, इसमें बहुत सी परेशानियां होती हैं, तो लोगों को समझ नहीं आती कि ओरिजिनल कौन सा है और दो नंबर कौन सा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मोबाइल ख़रीदने जाएं तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये मोबाइल ओरिजिनल है या कॉपी मोबाइल है। तो सबसे पहले, जब आपके हाथ में कोई भी सैमसंग का मोबाइल हो, तो आप जस्ट सैमसंग की मोबाइल स्क्रीन ओपन करेंगे। उसमें आपने सिंपली क्या करना है कि आप डायल पैड में जाएंगे। डायल पैड में जाने के बाद आप सिंपली ये एक कोड टाइप करेंगे। *#2663#। अगर तो मोबाइल स्क्रीन इस तरह शो हो, जिसके ऊपर स्क्रीन टेस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाएं, तो इसका मतलब है आपका फ़ोन ओरिजिनल है। और अगर वहीं कोड खड़ा रहे और या इसके अलावा कुछ और स्क्रीन के ऊपर आ जाए, तो आप देख सकते हैं कि वो मोबाइल कॉपी मोबाइल है, ओरिजिनल मोबाइल नहीं है। इस कोड की मदद से आप किसी भी सैमसंग मोबाइल को चेक कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या नॉन ओरिजिनल है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग मोबाइल ख़रीदने से पहले उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं कि उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो उसको चेक करने का भी सिंपली फार्मूला है, जैसे इस मोबाइल को ओरिजिनल या नॉन ओरिजिनल चेक करने के लिए सिंपली तरीक़ेकार है, इसी तरह आप मोबाइल चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।